हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने अकाउंट के यूजर नेम की सहायता से किस तरीके से दोबारा पा सकते हो। दोस्तों, अगर आपका अकाउंट कितना भी सालों पुराना हो, अगर आपको यूजर नेम पता है तो आप अपने अकाउंट को बहुत ही आसान तरीके से रिकवर कर सकते हो। हालांकि दोस्तों, मैंने एक पहले वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि दोस्तों, आप अपने अकाउंट को कितना भी सालों पुराना अकाउंट हो वो आप बहुत आसानी से पा सकते हो। देखिए दोस्तों, उसमें लोगों को ईमेल आईडी से भी बताया, मैंने फ़ोन नंबर्स के द्वारा भी बताया। फिलहाल उनका कुछ लोगों का ये कमेंट आ रहा था कि उसमें हमारा अकाउंट रिकवर नहीं आ रहा है। तो फाइनली दोस्तों, मैं एक वीडियो लेके आ रहा हूँ जो मैं आपको ये वीडियो बता रहा हूँ। इसमें एक यूजर नेम के द्वारा मैं आपका अकाउंट रिकवर करके दिखाऊंगा, कितना भी सालों पुराना आपका अकाउंट क्यों ना हो। दोस्तों, मेरा नाम जान लीजिए, मेरा नाम है अनिल और आप देख रहे हो आपके अपने YouTube चैनल अनिल यादव टेक्स में। दोस्तों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करिएगा, क्योंकि दोस्तों इसी तरह की इंटरेस्टिंग जानकारी और रियल जानकारी आपको हमारे इस चैनल पर मिलती रहती है। किसी भी प्रकार की डाउट के लिए कमेंट बॉक्स नीचे दिया कमेंट करिएगा, मैं उस पर आपकी पूरी हेल्प करता हूँ। और इंस्टा आईडी मेरी अनिल यादव 63 है, उस पर अभी हमें जरूर फॉलो करिएगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए मैं इंस्टा एप्लीकेशन पर पहुँचता हूँ और आपको सारी प्रोसेस बताता हूँ। दोस्तों, अगर आप पहले से अकाउंट अपना चला रहे हो तो उस अकाउंट को आपको लॉग आउट कर देना है पुराना अकाउंट ढूंढने के लिए। तो दोस्तों, मैंने ऑलरेडी जो रियल अकाउंट है मेरा वो मैंने लॉग आउट कर दिया है। जैसे लो आप अपने अकाउंट को लॉग आउट करोगे तो आपके पास एक नया पेज इस तरीके से ओपन हो जाता है, ठीक है। अब दोस्तों करना क्या है, यहाँ पे देखिए एक चीज़ लिखा है। अगर दोस्तों आपको जो मैं अकाउंट बताऊँगा उसका आपको पासवर्ड भी नहीं पता है, ठीक है, पासवर्ड भी नहीं पता है तो किस तरीके से अपने अकाउंट को रिकवर कर सकते हो, तो वही चीज़ इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। अब दोस्तों, यहाँ से आप अपन यूजर नेम को डाल दोगे, ठीक है, या फिर फ़ोन नंबर या फिर ईमेल आईडी जो भी चीज़ है वो डाल दोगे, लेकिन आपको पासवर्ड नहीं पता है तो आपका नहीं खुलेगा, ठीक है। तो उसके लिए फाइनली मैं क्या करना है, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिला है गेट हेल्प लॉगिन का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, उसके बाद हमारा जो लॉगिन यूजर नेम का जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर फाइनली हमें यूजर नेम अपना डाल देना है। तो चलिए यूजर नेम यहाँ पर हम सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे दोस्तों फाइनली मैंने अपने यूजर नेम को सेलेक्ट कर दिया और यहाँ पे लिखा है नेक्स्ट का ऑप्शन है, नेक्स्ट का बटन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो नेक्स्ट वाले बटन पे जैसे हम क्लिक करते हैं उसके बाद एक नया पेज ओपन होगा। अब दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, अगर आपने अपना अकाउंट बनाते समय ईमेल आईडी लगाया है या फिर फ़ोन नंबर लगाया है तो दोनों आपके शो होंगे। अब दोस्तों मेरे इस अकाउंट पे दोनों चीज़ें लगी हुई हैं, सेंड एन ईमेल और नीचे लिखा है सेंड एन एसएमएस। अब अगर मैं अपने अकाउंट को रिकवर करूं तो दोस्तों यहाँ पे देखिए सेंड ए ईमेल के द्वारा भी मैं कर सकता हूँ और फ़ोन नंबर के द्वारा भी कर सकता हूँ। तो फाइनली यहाँ पे मैं अपना फ़ोन नंबर जो हमारे फ़ोन में पड़ा हुआ है इस पर एक मैसेज आएगा, उस मैसेज के द्वारा हमारा अकाउंट रिकवर हो जाएगा। तो यहाँ से सेंड एन एसएमएस कर देते हैं और इस पर हम कर देते हैं क्लिक। जैसे ही दोस्तों क्लिक कर देते हैं उसके बाद एक कोड आएगा, ठीक है, उस कोड को यहाँ पर हमें डाल देना है। अगर आपके फ़ोन में ऑटोमेटो सिस्टम है तो पड़ जाएगा, अगर नहीं इसी वहाँ पे आप अपने आपके नंबर पे कोड जाएगा या फिर ईमेल जो भी लगाया उस पर कोड जाएगा, कोड ऑटोमेटिकली आपका पड़ जाएगा। पढ़ने के बाद देखिए दोस्तों तुरंत वहाँ पे आपकी ईमेल आईडी जो इंस्टा आईडी है वो ओपन हो जाएगी। तो इस तरीके से आप अपनी इंस्टा आईडी को ओपन कर सकते हो। और बहुत जल्द मैं एक और वीडियो लेके आने वाला हूँ जिस पर मैं आपको बताऊँगा कि आपकी जो ईमेल आईडी ना हो या फ़ोन नंबर भी ना हो या फिर पासवर्ड आपको ना हो तब भी आप अपनी आईडी को खोल सकते हो। तो बहुत जल्द वो वीडियो लाने वाला हूँ, वेट करिएगा। तो तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।